हो युहाओ सोल लान दो का नायक है, इसलिए उससे बहुत उम्मीदें हैं। उदाहरण के लिए भाग एक का नायक टैंग सैन एक डुअल गॉड बन गया और यहाँ तक कि उसने गॉड किंग का पद भी ले लिया। हो युहाओ कितना टैलेंटेड है, अंत में उसे क्या पावर्स मिलेगी, क्या वह टैंग सैन से आगे निकल सकता है, चलो पता करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज से एक लाइक कर देना प्लीज। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की। सीरीज की शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि हो युहाओ एक बहुत ही कमजोर कैरेक्टर है, विशेष रूप से टैलेंटेड नहीं है, और 10 लाख वर्षों में पहली रिंग्स ने भी उसे किसी भी तरह से अत्यधिक मजबूत नहीं बनाया। लेकिन टैंग सान भी शुरुआत में पावरफुल नहीं था, उन्होंने कल्टिवेशन की और धीरे धीरे अपनी पावर्स बढ़ाई। टैंग सैन के दामाद के रूप में हो युहाओ भी एक शक्तिशाली गॉड किंग है, लेकिन शुरू में उसे अस्वीकार कर दिया गया और उसका उपहास भी किया गया। अकेले टैलेंट के मामले में हो युहाओ उतना मजबूत नहीं है, उसकी जन्मजात आत्मशक्ति केवल एक के लेवल पर थी। इसे ध्यान में रखते हुए अधिकांश लोग कह सकते थे कि उसके पास एक बेकार फाइटिंग स्पिरिट थी, लेकिन हो युहाओ की इच्छा शक्ति और प्रयास कभी नहीं रुके। यहाँ तक कि उनकी पहली स्पिरिट जो कि स्पिरिचुअलाइज है, उससे हुआ युहाओ की सबसे पावरफुल स्पिरिट मानी गई है, क्योंकि वह एक्सट्रीमली रेयर म्यूटेटेड फाइटिंग स्पिरिट है जो कि समय के साथ खुद को डेवलप करती रहेगी। हुआ युहाओ के पास स्पिरिचुअल आई स्पिरिट होन साथ ही साथ एक बॉडी स्पिरिट होगी जो कि आल्सो एक फाइटिंग स्पिरिट होगी, जो कि बॉडी के हर एक बॉडी पार्ट्स जैसे लेग्स और आर्म्स को अवेकन करेगी। ऑलमोस्ट सभी बॉडी स्पिरिट बहुत पावरफुल होती है, लेकिन उनके प्रकट होने की संभावना बेहद कम थी। यह कहा जा सकता है कि वे स्पिरिट बीस और स्पिरिट इंस्ट्रूमेंट से बेहतर रचनाएं थी, और इसलिए उन्हें महाद्वीप पर सबसे अच्छी स्पिरिट्स के रूप में अत्यधिक महत्व दिया जाता है। दुर्भाग्य से हो युहाओ की फाइटिंग स्पिरिट बिल्कुल वैसी नहीं थी। उनकी स्पिरिचुअल आई स्वाभाविक रूप से एक कॉर्पोरियल सोल थी और उनकी आंखों में एक म्यूटेशन दिखाई देता था। इसके अलावा यह एक एक्सट्रीमली रेयर स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट फाइटिंग स्पिरिट थी। सामान्य परिस्थितियों में हो युहाओ को अत्यधिक सम्मान दिया जाना चाहिए था, और यह स्पिरिट उनके पिता ड्यूक ऑफ द वाइट से भी बेहतर होगी। लेकिन दो बिंदु ऐसे थे जिन्होंने हुआ युहाओ के विकास को सीमित कर दिया और हो युहाओ को एक बेकार स्पिरिट मास्टर बना दिया, जैसा कि सभी ने सोचा था। जब हुआ युहाओ अपनी मार्शल सोल को जागृत किया तो उनकी जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति केवल 1 लेवल में थी, इसलिए यह कहा जा सकता है कि हुआ युहाओ का टैलेंट काफी कमजोर थी। इसका मतलब यह हुआ कि उसकी कल्टीवेशन स्पीड निश्चित रूप से बेहद धीमी होगी। दूसरा बिंदु यह था कि जिसने इसके विकास को सीमित किया और भी अधिक घातक था, न केवल स्पिरिट एट्रीब्यूट बैटल स्पिरिट्स, बल्कि स्पिरिट एट्रीब्यूट स्पिरिट बीस्ट भी बेहद दुर्लभ थे। वे हो युहाओ के लिए रिंग के लिए उपयुक्त बीस्ट ढूंढना बहुत मुश्किल था जो उसके विकास को धीमा भी कर सकता था, लेकिन सब कुछ हो युहाओ के पक्ष में रहा। उन्होंने जिस पहली अंगूठी को एब्जॉर्ब किया वह मिलियन वर्ष के लेवल पर एक आई सिल्कवॉर्म था, जिसे हो युहाओ 4 पावरफुल सोल स्किल्स मिली और 3 मार्शल के साथ एक टैलेंटेड सोल मास्टर बन गया। इस प्रकार हो युहाओ इतिहास में पहला व्यक्ति बन गया जिसकी पहली अंगूठी 10 लाख वर्ष के लेवल तक पहुंची। टैंग सैन ने एक बार जियोवू को दिव्य क्षेत्र में बताया था कि एक बहुत भाग्यशाली व्यक्ति महाद्वीप में प्रकट हुआ था। जब हो युहाओ का जन्म हुआ, टैंग सैन पहले ही मार्शल महाद्वीप में एक लेजेंड बन चुका था। हो युहाओ ने शायद कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन टैंग सान से मिलेंगे, लेकिन उसकी रूममेट टैंग वुटोंग टैंग सान की बेटी निकली। उन्होंने हो युहाओ पर कई परीक्षण किए, लेकिन उन्होंने सभी बाधाओं को सफलतापूर्वक पार कर लिया और अंततः टैंग सैन की स्वीकृति प्राप्त की। उसके बाद हो युहाओ ने अपनी गरिमा और श्रेष्ठता साबित की, इतना कि टैंग सैन उसे भगवान के रूप में अपना पद सौंपना चाहता था, लेकिन तब तक डिवाइन रियल नष्ट हो चुका था। हो युहाओ को दूसरे देवता का पद विरासत में मिला। टैंग सैन और हो युहाओ अंततः सहयोग करेंगे। हाँ, और टैंग सैन ने कई चीजों में उनकी बहुत मदद की। टैंग सैन की मदद से हो युहाओ ने न केवल अपने पूर्वज को पाया, टैंग सैन ने हो युहाओ की माँ को भी पुनर्जीवित किया ताकि उनका परिवार फिर से एकजुट हो सके। हो युहाओ के पास कितनी आत्माएं थी और उसके पास किस प्रकार की अंगूठियां थी, इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। देवताओं के बीच उसके पास एक अत्यंत उच्च और सबसे मजबूत स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस थी।
जब वह लेवल 1 के गॉड थे तो उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल पावर का उपयोग अपरिभाषित उथल पुथल तांगसेन और विनाश के देवता की विनाशकारी शक्ति को जबरन तोड़ने के लिए किया। देवताओं की लड़ाई में उसने 6 देवताओं को तुरंत नियंत्रित करने के लिए आध्यात्मिक आघात का उपयोग किया। इससे पता चलता है कि हो युहाओं में भविष्य में कितनी संभावनाएं हैं। इस बीच हम देख सकते हैं कि यह कैसे धीरे धीरे विकसित होता है और मजबूत होता जाता है। बैटल कॉन्टिनेंट 2 की पूरीश में कई दिलचस्प घटनाएं होंगी, कभी कभी दुखद भी। यह इंतजार के लायक है। इसके अलावा हो युहाओं का तांग वुटोंग के साथ कुछ बहुत मजबूत विलय होगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको लगता है कि हो युहाओं तांग सेन की ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा तो कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बाय बाय।